सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो, सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं। अनवार रमज़ान 721 मज़ेदार रेसिपीज़, मज़ेदार खानों का सिलसिला जारी है, इबादतों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब जंग लगी हुई है, बिल्कुल एक जानिब इबादतों का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब जंग लगी हुई है, लॉकडाउन है, सूरत हाल आपके सामने है, केसेस में इजाफा होता जा रहा है और आगाज़ ज़ीरो से हुआ, अब 13-14 हज़ार तक जा पहुंची है। और दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी है कि ये लाखों में कहीं ना जाए। तो प्लीज़ और कोशिश कीजिए, सोशल डिस्टेंस, बुनियादी चीज़ों को मानें। अगर आज फॉलो नहीं करेंगे तो क्या तब मानेंगे जब खुदा ना ख्वास्ता प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह सूरत हाल से बाहर निकलेंगे, लेकिन हमें कोशिश करना है कि बुनियादी चीज़ों को फॉलो करना है, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। इंशाल्लाह आज फोर्थ डे रमज़ान का, और रमज़ान का जिसमें हम इफ्तारी के लिए ब्रोस्ट का एहतमाम किया है हमने, खास ब्रोस्ट रोज़ेदारों के लिए कर रहे हैं तैयार। तो अज्जा देख लीजिए, उसके बाद प्रोसेस बताते हैं, आपकी कॉल का, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला भी बिल्कुल जारी है जी। तो यहाँ पर ब्रोस के लिए इस वक्त देख सकती हैं आप, बहुत ख़ास बल्कि देसी मुर्ग का हमने तमाम किया है। आई थिंक अब वो वक्त आ चुका है कि हमें देसी खानों की जानिब जाना चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि खास ये हमारे वसीम साहब लाएंगे देसी मुर्ग जिसके ब्रोस का अपना है मज़ा। तो कोई 600 ग्राम बल्कि 700 ग्राम मौजूद है ये चिकन मुर्ग मौजूद है देसी, और बिग साइज से है, ठीक है, जिसमें लेग पीसेस भी हैं, सीने का पीस भी देख सकती हैं आप। 700 ग्राम अदरक लहसुन नॉर्मल पिसा हुआ शामिल नहीं कर रहे दोस्तों आज, ये ताज़ा लहसुन गार्लिक, वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेमन नींबू की खटास, कहा जाता है दोनों वो एंजाइम जो कैंसर से भी फाइट करते हैं, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। वाइट फ्लोर मैदा मौजूद है, चावल का आटा क्रिस्पी बन लाएगा, कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस, नमक, ज़रा सा मीठा सोडा, लाल मिर्च कुटी हुई, अदरक लहसुन, अच्छा वो लहसुन हमने फ्रेश ऐड करना है, मेयोनीज, टमाटो केचप, बन के साथ। इंशाल्लाह आज ब्रोस्ट रेस्टोरेंट होटल बन नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने घर में किस तरह बना सकते हैं शेयर करने जा रहे हैं रेसिपी। तो बस बात कुछ ऐसी है कि इसको आपने ड्राई कर लेना है, खुश कर लेना है। जो लोग कह रहे हैं कॉल्स लेंगे नहीं लेंगे, तो बिल्कुल कॉल्स शामिल करेंगे, बिल्कुल आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी रहेगा, आप अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सवाल
इतना सही कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा मुर्ग चिकन का इस्तेमाल करते हैं। जवाब आप देंगे कॉल करके। मैरिनेशन की जानिब चलते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए जो आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने सभी ऐड करने हैं। ब्रोस्ट हमने कई मरतबा बनाया यहाँ भी और दीगर चैनल्स में भी, लेकिन आज डिफरेंट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अलग है ये, अलग किस तरह आपको पता चल जाएगा। अदरक लहसुन पिसा हुआ आप 1 चम्मच 2 चम्मच शामिल किए, इसी के अंदर ही अंडे शामिल करें। पहले हम बाद में शामिल करते थे, लेकिन आज ये डिफरेंट रेसिपी जरा देख लीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। एक एंड वन मोर एग, यानी 2 अंडे अदरक लहसुन के बाद शामिल किए, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने सोल्ट, नमक, 1 किलो में 10 ग्राम या 1 चाय का चम्मच नमक परफेक्ट होता है, तो उसी हिसाब से अपने बैलेंस कर लेना है। लाल मिर्च कुटी हुई, ये भी 1 चम्मच, सफेद मिर्च 1/2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, काली मिर्च शामिल की, कर लीजिए इसे अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है जी। मिक्स कर लीजिए और प्रोसेस बिल्कुल जारी है जी। आज हम ब्रोस की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ब्रोस की। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जितना हो सके अच्छी तरह से मैरिनेट कर लीजिए ताकि एक अच्छा से इसका टेक्सचर आ जाए। कोशिश करना है आज इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ वाइट फ्लोर, मैदा डोमिनेट करेगा, ठीक है जी। वाइट फ्लोर इसमें मैदा डोमिनेट करेगा। इस तरह करने के बाद 2 घंटे तक आप इसे रख लीजिएगा, फॉर 2 आवर्स इसे आप रख लीजिएगा, ठीक है जी। इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप जब घर में बनाए इसे 2 आवर्स तक रख लीजिएगा। और इसमें आज हमने पानी का इस्तेमाल भी करना है जी, इस बॉल के अंदर पानी शामिल करें जी। पानी ऐड किया, मैरिनेट करके रखा, एक और बाउल ले आते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि विल मैक्स के जो ये ब्रेड मौजूद है इसी में हम ऐड करते हैं जी। कॉर्नफ्लोर ऐड किया, इसी में हम शामिल करते हैं वाइट फ्लोर, मैदा ऐड करते हैं। परवेज इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या आप परवेज साहब बात कर रहे हैं? जी परवेज बात कर रहा हूँ। एक बात, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपके साथ पीसी में होता था, रेस्टोरेंट मैनेजर, पल कॉन्टिनेंटल होटल में, जानते हैं आपको? जी कराची। परवेज साहब कैसे हैं आप? लॉन्ग बिफोर 2006 में। ठीक ठाक, खैरियत? जी आप बताइए, खैरियत है सर? ठीक ठाक, बस मैं ये देख रहा हूँ आपको लाइव शो। मैं कह रहा हूँ बेटा कि मुझे वो चिकन चर्सी कढ़ाई आजकल बहुत काम चली हुई है यार। इसका नाम लेते हुए परवेज भी अच्छा नहीं लगता है? इसका नाम लेते हुए टीवी पे अच्छा नहीं लगता। नाम लेते हुए टीवी पे, नेशनल टेलीविजन में इस डिश का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। खाने में अच्छी है, आजकल बहुत टेस्टफुल बन रही है चर्सी कढ़ाई। हाँ वो बात सही है, लेकिन इसका टीवी पे नाम नहीं ले सकते। अच्छा बिल्कुल। तो उसकी रेसिपी प्रॉपर से बेहतर जो हो वो बताइएगा। जरूर। बाकी बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा आपके साथ पीसी में। अच्छा, ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक, और खुशी भी सर आपसे बात। कब मैं देखूंगा रेसिपी आपकी जी? कब देखूंगे, कब बताएंगे? जी परवेज भाई, इंशाल्लाह। अब आपने फरमाइश की है, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, जल्द बनाएंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है, खुश रहें, खुश रहें। रमजान मुबारक। बहुत रमजान मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक टीवी पे देख के आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप खुद ग्रेट हो माशाल्लाह। और कामयाब की कसम जुमेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जजाकल्ला, थैंक यू। ठीक है जी, ये परवेज साहब मौजूद रहे, और सच बात है, मुझे याद है लॉन्ग बिफोर 2006 की बात है कि देखिए। अच्छा, ये अब करना इस तरह से, जब आप बने से रखिएगा जरूर, ताकि ये सब चीज रख जाए फ्लेवर। ये आपने ब्रोसी उठाया एक पीस, चलिए कहा जा रहा है ऑयल यहाँ के लिए आते, ताकि हमारे कैमरामैन को आसानी हो जाए, वो दिलकशी के साथ आपको दिखा सके। ठीक है जी, इसे आपने ये मैरिनेट किया, रखिएगा जरूर, एज इट इज आपने डायरेक्टली फ्राई नहीं करना, कुछ देर रखिएगा। ठीक है जी, कुछ देर रखिएगा, हल्का सा आपने पानी के अंदर डिप किया हल्का सा, और उसके बाद इसमें आपने आटे की कोटिंग करनी है। ठीक है
ठीक है, इस मेथड से मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है ब्रोस्की, ये टीवी पे हमने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन आज ये कर रहे हैं, डिफरेंट है पर मज़ा आएगा आपको। ठीक है जी, हल्का सा पानी के अंदर, और उसके बाद से आपने इस तरह ये कोटिंग करनी है। इसका वजह क्यों है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये आपको कुछ देर के बाद पता चल जाएगा जब हम इसे फ्राई करने जाएंगे। इसी तरह आपने बाकी पीस उठाया, हल्का सा पानी में डिप किया, और इससे आपने आटा अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और ग्लव्स की बात की जाए, देखिए जब खाना तैयार हो जाए तो उस पर कोशिश करें हाथों से टच ना करें। अभी तो फ्राई होगा 220 सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होता है, अभी चल सकता है, लेकिन उस दौरान आपने खास ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, और अब वो वक्त आ चुका है, वो वक्त नहीं है अब अनहेल्दी खाने खाए, गुंजाइश नहीं है। अवतार में भी कोशिश करें खजूर से अवतार की फ्रूट्स खा लें, और अनहेल्दी खाने प्लीज़ आप ना खाएं, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है। हालात आप सबके सामने, हमारी सेहत, आपके बच्चों की सेहत, सभी की सेहत को खतरा है। ठीक है जी, तो प्लीज़ बेसिक पर फॉलो करें, प्रोसेस जारी इस तरह हम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त ब्रेक की जानी भी जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी कॉल जब तक नहीं ली, एक कॉल लिए, परवेज साहब मौजूद रहे, लेकिन आप बताइएगा जो हमने पूछा है, इतना सा सिर्फ पूछा है आपसे कि वो कौन सा मुल्क है जहां मुर्ग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मुख्तसर सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू अवर शो, खुशामदीद कहते हैं जी। अनवार रमजान स्पेशल खास रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आपका इकबाल मौजूद है, बहुत शुक्रिया, दुनिया में जहां कहीं मौजूद हैं आप। ब्रोस की आज डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रहे हैं जी, और सवाल इतना सब पूछा, वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मुर्ग का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आज बनाई है, अमूमन जो हम शेयर करते हैं उससे जरा हटकर है, जरा तो नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा हटकर है। नॉर्मली जो कॉर्नफ्लोर मैदा अंडा लगा के जो इतनी बहुत हेवी कोटिंग हम बनाते हैं वो नहीं किया आज हमने, ज़रा सा इसके अंदर पानी का भी यूज़ किया था। ठीक है जी, ज़रा सा पानी के अंदर भी डिप किया था, लेकिन इतना नहीं करना कि मसाला बिल्कुल उतर जाए। फ्राइंग की जानिब चलते हैं, एक एक करके पीस उठाएंगे और ये हम ऑयल के अंदर डालना है, बस ज़रा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद एक एक करके पीस ऐड करना है। ये इससे टेक्स्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है जी, बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत ज़्यादा वो अमूमन करते हैं वो टेक्स्चर नहीं आएगा, लेकिन एक खास इसके अंदर क्रिस्पी पन आपको फील होगा। ठीक है जी, तो बस प्रोसेस जारी है, एक और चीज़ जिसमें हमने नाम ब्रोस को बॉयल किया है, नाम कोक किया है, बिल्कुल भी कोक नहीं किया, जो कुछ होगा आपके सामने ही होगा। ठीक है जी, तो इसलिए ऑयल अभी हमने इसलिए नॉर्मल रखा है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। रेस्टोरेंट होटल वही जायका आप घर पे किस तरह बना सकते हैं आज इंशाल्लाह आपके साथ जैसे भी शेयर करें। क्या बात है जी, ये आपको दिखाएंगे इस तरह क्यों किया था आज हमने, पानी के अंदर क्यों शामिल किया था। ठीक है जी, तो एक एक करके हम पीस एड करते जाएंगे ऑयल के अंदर।
अगर आप सिर्फ पानी से भी इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं आप, एक दफा पानी में फिर आटे में फिर पानी कर, लेकिन हमने सिर्फ सिंगल की, हमने बहुत ज्यादा हैवी कोटिंग आज नहीं करने जा रहे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसे कर लेना है फ्राई भी, ठीक है जी। तो बस इसका प्रोसेस जारी है और आपकी कुछ कॉल्स भी लेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला भी जारी रहेगा, कॉल के जरिए आप शो का हिस्सा बनेंगे और जवाब देते रहिएगा सवाल का भी, ताकि ठीक है आपकी राय भी हमने मिल सके। तो बस प्रोसेस जारी है और बहुत आहिस्ता से ये नॉर्मल आंच पे प्रोसेस जारी है, ज़रा लंबा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है जी, ज़रा लंबा टाइम लगेगा। पर एक इसका वही, ये देखिए ये जो दाना इसके ऊपर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दाना पानी की वजह से, देखिए आप इस वक्त ये दाना आपको फील हो रहा है, बिल्कुल ये दाना इसके ऊपर फील हो रहा है। सब रेस्टोरेंट वाले भी शायद मेरे ख्याल से नहीं बना पाते, वो बहुत हैवी कोटिंग हो जाती है जो टेम्पुरा की होती है, लेकिन ये ब्रोस्का जी दाना आपको फील होगा, देखिए। तो ये लाना हमारे लिए आज ज़रूरी था इसमें, ठीक है जी। और इसका बाकी दिखाते हैं, बाकी भी आपको आइडिया बेहतर होगा। ये देखें आप माशाल्लाह, देखें दाना आपको फील हो रहा है ये ऊपर, ये जूसी सॉफ्ट टेंडर बिल्कुल है, लेकिन दाना ये देखिए, ये लाना बहुत जरूरी था। और इस वक्त मिसेज राहिल ने हमसे पूछा था शहर कराची से, तो राहिल साहब आपको भी सलाम और आपकी वाइफ को भी सलाम। तो मिसेज राहिल ने कहा था कि बाल भाई ये दाना कैसे आता है, तो ये आज हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, जरूर फॉलो करें, जरूर ट्राई करें, खुशबू बहुत मजे की थी, जूसी यमी टेम्प्टिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मिस सदब बात कर रही हैं आप? जी जी मैं सदब बात कर रही हूँ। शहर कराची से कॉल किया आपने? जी बिल्कुल, मैं कराची से ही कॉल की हूँ। क्या शहर कराची में गर्मी वापस आ चुकी है? बिल्कुल जी, अच्छी खासी गर्मी हो रही है, फिट किस्म की। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से गर्मी हमें काफी हद तक महफूज रखा है, गर्मी ने इस जो ये वबाई बीमारी से भी, क्या ख्याल आपका? जी बिल्कुल हाँ, ये भी है, गर्मी अगर आएगी तो अच्छा है, हमारी वबा से जान छुटेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। सदा ब्रोज स्टार्ट बना रहे हैं और सवाल पूछा, ये मुर्ग ब्रोज जो बना रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त लग रही रेसिपी, और आप तो हर काम माशाल्लाह से इतने झटपट कर लेते हैं कि वो पता ही नहीं लगता कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ पे खत्म हो गया। हम लोग तो कुछ भी काम शुरू करते हैं, हमारा तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है कुछ भी करने में, आप तो माशाल्लाह से इतने जल्दी हर काम कर लेते हैं जी। आई थिंक इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारी टीम का हमारा, बल्कि ये आपका मोहब्बत है, आपका प्यार है और यही हमारे लिए मोटिवेशन है। मतलब आपका शो देखने में ऐसा लग रहा होता है जो भी आप कुकिंग कर रहे होते हैं, लगता है बहुत इजी है, कोई मुश्किल ही नहीं है, बस फटाफट से बन जाएगा, ऐसा लग रहा होता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है, बस ये करम है अल्लाह पाक का, दोस्तों की आपका जो अप्रिसिएशन का, आपका पसंद करने का, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है रमजान के महीने में? बस ये आप पकौड़े वगैरह हैं, इस तरह की चीजें, कटलेट हैं आलू के और चिकन। देखिए मिस सदफ माजद के साथ आपकी फरमाइश सराहों पे जिंदगी भर हम बनाते रहेंगे, लेकिन अब रमजान के महीने में प्लीज फ्राइड चीजों से बाहर निकलना चाहिए, जो स्पेशली जो ये। हाँ ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें सही कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। सही सही सही। लेकिन अच्छा जवाब किया आपका सदफ साहिबा, कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे पहले, जहाँ सबसे ज्यादा मोर्ग चिकन का इस्तेमाल होता है? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में ज्यादा खाया जाता है। पाकिस्तान, ठीक है जी। हमारे जजेस ने आपका ये आपकी जो ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है ये रिपीट होगा क्या? जी जी मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे सुबह 11 से 12 बजे तक रिपीट होता है। अच्छा मैं मतलब रमजान में देखा नहीं ना, मैंने कहा रमजान में ना रिपीट होता हो। आप लेट उठती होंगी ना सुबह में? नहीं नहीं मैं तो उठ जाती हूं। अच्छा उठ जाती हैं, चलें कल देखिएगा, ठीक है जी। चलिए ठीक है मैं देखूंगी। ओके जी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। बस ब्रोस निकालते हैं जी, मेयोनीज का एक कॉकटेल सॉस भी बनाते हैं क्विकली, बल्कि ये निकाल लेते हैं जी। ये देख रहे हैं असल सब फर्क नजर आ रहा है आपको, देखें आप ये चीज हम लाना चाह रहे थे, ये देख रहे हैं आप पानी से ये होता है, ये दाना देखिए आप, इसका एक मजा है, जब आप खाएंगे आपको आइडिया होगा कि इसकी क्रिस्पी बन का मजा आएगा, मीट सॉफ्ट जूसी होगा, टेंडर होगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। लेकिन ये देखना है कि आपने
इस टेम्परेचर में कुक करना है कि यहीं पे ये गल जाए, टेंडर हो जाए बिल्कुल। ठीक है जी, तो जरा बस ये होने दीजिए और इसके बाद इसे हम निकालते हैं। बाकी करना फ्राई, कॉकटेल सॉस बनानी है, पाइनएप्पल की लस्सी भी आज बनाने जा रहे हैं। गुड मिल्क मौजूद है हमारे पास, तो गुड मिल्क से इंशाल्लाह पाइनएप्पल लस्सी भी आज बना रहे हैं। तो सूरत हाल सब आपके सामने ही है। ठीक है जी, जिसपे कलर आता जा रहा है हम निकालते रहेंगे, एकदम क्रिस्पी है, मजे का। क्या ही बात है, उसके बाद इसमें हम बाकी भी ऐड करते हैं जी, जो हमारे पास ये रोस्ट हमने बनाया है, बाकी भी एक एक करके शामिल करते जाएंगे जी। ठीक है जी, और जिन्होंने अभी देखना शुरू किया, आपको हम बता चुके हैं कि मैरिनेशन शामिल की थी चिकन के अंदर। कच्ची चिकन में हमने नमक मिलाया, लाल मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस, ज़रा सी सोडा अभी तक हमने ऐड नहीं की थी। खैर ठीक है, आज सोडा मिला ही नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, और स्पाइसेस अदरक लहसुन मिलाकर मैरिनेट किया, अंडे शामिल किए थे, उसके बाद ज़रा सा पानी के अंदर ऐड किया, और उसके बाद हमने ये मैदे के अंदर फ्राई करना है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ज़रा सा आपको ज़रा डिफरेंट तरीका दिखाते हैं, बताते हैं। कुछ आप इस तरह की कोटिंग चाह रहे हैं देख रहे हैं ब्रोस की, पर कुछ में ज़्यादा हैवी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बताते हैं क्या करना है कि आपने इसमें ज़रा सी हम सोडा ऐड करते हैं। ठीक है जी, सोडा किस तरह ऐड करना है ये भी आपको बताते हैं कि ज़रा सा आपने फ़र्ज़ कीजिए ये बाउल लिया फिल्मिक्स कप, दो चुटकी इसमें सोडा ऐड की, इसी में हल्का सा पानी ऐड किया, हल्का सा डिजॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद इस तरह से आपने मिला लेना इसके अंदर, ताकि हर कहीं ऐसा ना हो, कहीं सोडा कम हो कहीं ज्यादा हो। और एक एक करके फ्राई करते जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? जी मैं ठीक हूँ, हम आप बताइए खरीद थे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज यूट्यूब पर रेसिपी बना रहे हैं, ब्रोस्ट बना रहे हैं जब। बिल्कुल ब्रोस्ट बना रहे हैं, और पसंद है आपको? मैं आपको भी होटल्स वगैरह सब बंद है, तो बेटा तकरीबन हफ्ते में एक बार, एक से दो बार ऑर्डर कर लेते थे, लेकिन अब मुझे घर में। आपकी आवाज बाजे नहीं आ रही जरा। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। बेटा बेटे के लिए बनाना पड़ता है, शौक से खाते हैं, और अभी मैंने बना के दिया था उनको तकरीबन एक हफ्ता पहले, और यही जिस तरीके से आप बना रहे हैं ना, मॉर्निंग शो में देखा था, इसी तरीके से मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। क्या, क्योंकि हमने इस तरह नहीं बनाया, हम दूसरी रेसिपी थी, हम इसके साथ हैवी कोडिंग करते थे, लेकिन आज ये डिफरेंट रेसिपी जो हमारे एक रेस्टोरेंट में हम लोग बनाते थे वो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, अपने अंडे वगैरह नहीं है, इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो वैसे तो पाकिस्तान में भी ज्यादा चिकन खाई जाती है, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा खाई जाती है। उमा साहब, कौन सा मुल्क है एग्जैक्टली? मुल्क नहीं, मैं मेरे ख्याल से ईस्टर्न कंट्रीज है जिसमें, तो उसमें खाई जाती है ज्यादातर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जी, आपका जवाब भी आ चुका है। ठीक है जी, खुश रहे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। ठीक है जी, और हमारे पास जवाब नोट कर दिया, हमारे जो जजेस की टीम है जिसमें आज तशरीफ फरमा है, इंटरनेशनल शेफ है जनाब फैजान साहब, और उनके साथ सरमद साहब, ठीक है जी, जजेस में जिनकी खिदमत हासिल है हमें। तो बस फ्राई हो रहा है, कलर आने के बाद से हमने टर्न ओवर करना है, होता जा रहा है तैयार। और बात सिर्फ ब्रोस्ट की हद तक नहीं होगी, कॉकटेल सॉस भी आज करना है तैयार, अनानास पाइनएप्पल वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो पाइनएप्पल की लस्सी बनाने जा रहे हैं आज। ठीक है जी, विच इज़ वेरी गुड एंड हेल्दी एज वेल, ठीक है, हेल्दी भी है, तो मज़ा आने वाला जी। ज़रा सी सफाई जो ज़रूरी है, सफाई नफ्स ईमान, और बस प्रोसेस आपके सामने जी। ठीक है जी, बस प्रोसेस जारी है, और बस जैसे ही कलर आएगा इसे हमने टर्न ओवर कर लेंगे। कुछ ही देर में जब कलर आने के बाद खुशबू बहुत आला, और इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर ज़रा दिखाएं आपको चिकन कैमरे की नज़र से देखेंगे, अब बाहर से एकदम क्रिस्पी है, आवाज़ आपको फील होगी, टक टक ही देखें आप।
लेकिन जब बाइट लेंगे अंदर सॉफ्ट जूसी है, हमारे अदरक लहसुन स्पाइसेस का फ्लेवर भी मजे का है। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। और इस वक्त हमारे बन रहे हैं मज़े मज़े के पकवान। इख्तितामी लम्हात ब्रोस तैयार होने वाला है। सवाल पूछा कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुर्ग चिकन ब्रोस्ट चिकन कंज्यूम किया जाता है, किस मुल्क के लोग ज़्यादा चिकन खाते हैं। ये फ्राई करने के बाद से हम निकाल लेंगे, ये देखिए हम, ठीक है जी, ज़बरदस्त क्रिस्पी होता जा रहा है और इसे गर्म गर्म निकालेंगे बस जैसे ये तैयार होता है। उसके बाद आज हमने पाइनएप्पल लस्सी करनी है तैयार, पाइनएप्पल लस्सी, ठीक है जी। तो पाइनएप्पल लस्सी का भी आपको प्रोसेस बता दें। इस वक्त आप देख रहे हैं ये टेक्सचर जो आपके देखे ब्रोस्ट का, लुक एट दिस, एकदम दानेदार क्रिस्पी। और गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है, जो अवतार के टाइम लोग बनाएंगे तो फिर आप ये वो चीज़ नहीं कि आप 5 या 6 बजे बना कर रख लें, हम तो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अवतार से सिर्फ 5 मिनट पहले बनाइए, फ्राई कीजिए 10 मिनट पहले, या तो फिर आप अवतारी कर लीजिए 8-9 बजे जब आप खाना खाएं डिनर करें तब आप बना लीजिएगा, ठीक है जी। तो बस इसे फाइनलाइज कर दें। तो ये हमारा, ये देखिए तैयार हो चुका है, इसे निकालते हैं एक एक करके। ये अहम चीज़ है कि आपने ज़रा देख लेना है, एक पीस आपने चख लेना है, गला नहीं गला, टेंडर ना हुआ वो फिकर की कोई बात नहीं, इसमें गल जाता है, हम साबित चिकन भी गला लेते हैं। आपने क्या करना है कि नॉर्मल ऑयल पे कुक करना है और सब कवर भी कर लीजिए कब जब आप घर पे बनाए, इंशाल्लाह हो जाएगा डन। ये तो इस तरह से देखिए ब्रोस्ट हमारा निकाल लें। गरम गरम खाने का इसका मजा है, बात जो सच है। तो इस वक्त हमारा दोस्तों ये ब्रोस जो फ्राई हो चुके हैं निकाल चुके हैं, और गार्निश के लिए जी बिल्कुल सलाद पत्ता रखते हैं, बाकी वेजिटेबल भी, और लेमन मौजूद है, कुछ लेमन के रिंग्स रख लेते हैं। ब्रोस हो चुका है तैयार, आज हमारे अपनी अवतारी के लिए बनाया है, ठीक है जी, कुछ लेमन के रिंग्स, आई थिंक एज इट इज़ ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गार्निश के लिए। सोच बनाते हैं सिंपल आसानी से कॉकटेल सोच के लिए, यहां पर बाउल के अंदर, ठीक है जी, आधा कप टोमेटो केचप है और इसमें 1/2 कप मेयोनीज़ ऐड किया,
जी बिल्कुल, और ये देखिए इसे मैरिनेट कर लेना। सिंपली मेयोनीज और केचप को मिक्स किया और इसे आप ब्रोस्ट के साथ रखिए, मज़ा आ जाएगा आपको जब आप गरम गरम इंजॉय करेंगे अवतार के टाइम। तो जहाँ इबादतों का सिलसिला जारी है वहाँ अब अच्छे खाने बन रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। ठीक है जी, और सूरत हाल आपके सामने है जी, और बहुत से लोग बिल्कुल जैसे कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये बात सच है जी, ऐसा नहीं कि हम जो मीडिया वाले हम महफूज, ऐसा नहीं है, मीडिया के दोस्तों को भी लग रहा है कोरोना, और साथ ही डॉक्टर्स को बहुत लगा, सिक्योरिटी के जो नौजवान उनको भी लग रहा है, फ्रंट लाइन में हम जितने भी हैं हम सभी को जान के, हम सभी के जान को खतरा है। तो प्लीज़ आप लोग जो घर में, बेस्ट जगह आपका घर ही है जो सबसे महफूज है, तो ठीक है शुक्र अदा करें अल्लाह का, ये ना सोचें कि ये अब क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे, इससे बाहर निकलें लॉकडाउन, और ये वंस हम जीत जाएंगे तो उसके बाद आप घूम ले लीजिएगा जितना जहां आपको जाना है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी बात है, और बस ये सॉस उसकी तैयार, बल्कि कुछ सॉस इसके यहाँ ऊपर भी रख रहा हूँ देखिए, ठीक है, और बाकी यहाँ इसके एजेस भी रख लेते हैं, और अब चलते हैं लस्सी की जानिब। ठीक है जी, अगर आपकी इजाजत हो तो लस्सी बना लें हम, लस्सी डिफरेंट है, पाइनएप्पल लस्सी बनाएंगे, और पाइनएप्पल लस्सी के लिए हमें जूसर मशीन और ये जग यहाँ मौजूद है, चलिए इसमें ऐड करते हैं पाइनएप्पल अनानास। ठीक है जी, और पाइनएप्पल जो शामिल करना है ये देखिए, कुछ रख लीजिए गार्निश में, बाकी देखिए 1.5 कप पाइनएप्पल शामिल किया। अब पाइनएप्पल के साथ ही दही, फ्रेश योगर्ट, ये भी 1.5 कप, और इसके साथ ही सबसे अहम अज्जा गुड मिल्क। इस रेसिपी के लिए गुड मिल्क देखिए, रोज रोज गुड मिल्क जिया करो, दूध ताज़ा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे ब्रांड का हो, आपका दिल मुतमईन होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा, और गुड मिल्क का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है जी, ठीक है जी, और बाकी ड्रिंक्स भी आप गुड मिल्क से तैयार कर सकते हैं, तो गुड मिल्क शामिल कर रहे हैं जी, दही गुड मिल्क शामिल किया जिसकी कंसिस्टेंसी टेक्सचर देखिए, और ये कहना नहीं काफ़ी, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है इस दूध का। साथ ही चीनी शामिल करते हैं जी, और ये देखिए 1, 2, 3, 4 लगभग 4 टेबल स्पून चीनी शामिल की। ठीक है जी, गुड मिल्क और ऐड कर चुके हैं, उसके बाद अब जूसर मशीन की तरफ चलते हैं, और से बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा, और ये लस्सी डेडिकेट करना चाहूंगा किनको, बताते हैं आपको, ठीक है जी, और इस वक्त लस्सी निकालते हैं, और अहम बात ये कि जिन जिन की आज दुनिया में जो जो लोग सालगिरह सेलिब्रेट करें उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे एक ऐसी शख्सियत हमारे इस चैनल पे जो बहुत ज़िंदा दिल इंसान है, सबके लिए मोहब्बत रखते हैं, हर वक्त इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, इनके वालिद बहुत बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान के, उनके साहिबजादे हैं जनाब रूफ़ी साहब। रूफ़ी भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी जानिब से, टीम की जानिब से, खुश रहो, शादोआबाद रहो, और ये लस्सी आपके लिए रूफ़ी साहब।
वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, लस्सी निकाल लेते हैं जी। ये देखिए जरा, लुक एट दिस पाइनएप्पल लस्सी, माशाल्लाह क्या बात है जी। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, खुश रहें, शादोआबाद रहें, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल और जरूर ट्राई कीजिए। इफ यू लाइक इट, जस्ट बाइट इट।